And example number 14 and 4. एक बार सभी क्वेश्चन को प्रॉपर वे में रीड कर लीजिए. एक बार सभी क्वेश्चन को प्रॉपर वे में रीड कर लो. कौन सा बैलेंस गिवन है और ट्रांजेक्शन कौन कौन से हैं, ताकि जब मैं आपको सोल्व कराऊं तो इजी पॉइंट आपको समझने आ जाएगा. जल्दी से तो कौन सा बैलेंस एग्जाम्पल फोर में गिवन है, कौन सा बैलेंस एग्जाम्पल फोर में गिवन है? बैंक, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन. यदि आपको पता है किस दिन बनाना है तो उस डेट को भी मेंशन करना है. वेरी गुड. योगिता ने भी किया है. जब पाए लास्ट क्लास मिस हो गई. ओके, पेज नंबर अभी बताता हूं आपको. 159 इंग्लिश स्टूडेंट के रूप में, हिंदी मीडियम के रूप में, यूट्यूब में जाके नीचे हो सकता है. 159 इंग्लिश स्टूडेंट के रूप में है. एक दो पेज आगे या पीछे आपको एग्जाम्पल फोर मिल जाएगा. पर्टिकुलर्स अमाउंट डिटेल्स और यहां पर टोटल. सबसे पहले क्या करते हैं? ओके, कोई बात नहीं. हिंदी मीडियम के रूप में 188 है. पायल हिंदी मीडियम के रूप में 188 बेस पे है. चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले बताइए एग्जाम्पल नंबर फोर में हमें जो बैलेंस गिवन है वो किसका गिवन है? कैश बुक का बैलेंस गिवन है, अदरवाइज हमें पासबुक का बैलेंस गिवन है. किसका बैलेंस हमें गिवन है? कैश बुक का. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? बैलेंस एज पर कैश बुक. ठीक है, हमने ये तो पता लगा लिया कि बैलेंस किसका है. अब ये बताओ कि बैलेंस जो है वो डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है. टाइप्स ऑफ बैलेंस कौन सा है इसमें कर दीजिए. इसमें टाइप्स ऑफ बैलेंस कौन सा है? एग्जाम्पल नंबर फोर में तो देखिए बैलेंस जो है वो डीआर नहीं है, बैलेंस सीआर है. बैलेंस डीआर नहीं है, बैलेंस सीआर है. मैं अभी बताता हूं कैसे. आपने कोशिश की है इसके थैंक्स, बट मैं अभी बताता हूं कैसे. एक वर्ड आपके सामने आएगा बैंक ओवरड्राफ्ट. एक वर्ड आपके सामने आएगा बैंक ओवरड्राफ्ट. बैंक ओवरड्राफ्ट कैश बुक का भी हो सकता है, कैश बुक के अकॉर्डिंग भी हो सकता है और पासबुक के अकॉर्डिंग भी हो सकता है. बैंक ओवरड्राफ्ट कैश बुक के अकॉर्डिंग भी हो सकता है और पासबुक के अकॉर्डिंग भी हो सकता है. कैश बुक के साथ बैंक ओवरड्राफ्ट होता है तो ऑलवेज सीआर बैलेंस होता है, और पासबुक के साथ बैंक ओवरड्राफ्ट होता है तो बैलेंस ऑलवेज डीआर होता है. या फर्स्ट टाइम ये पॉइंट आपके सामने आया है. इससे पहले बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस से रिलेटेड कोई पॉइंट नहीं आया है. क्या ऐसे किसी को बैंक ओवरड्राफ्ट का मीनिंग पता है? बिकॉज मैं आपको पहले बता चुका हूं. क्या आप में से किसी को बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब पता है, मीनिंग पता है?
यस और नो? नहीं या है तो मैं बता दूंगा दोबारा से आपको, मैं दो तीन बार बता तो फिर से बता दूंगा, बट मुझे यस और नो जानना है। ओके चलो मैं बताता हूँ बैंक ओवरड्राफ्ट होता क्या है, किसे कहते हैं, क्योंकि उसका इफेक्ट इसके अंदर आएगा और आपका इसको याद भी आ जाएगा कि हाँ सर ने बैंक ओवरड्राफ्ट को एक्सप्लेन किया था। तो देखिए आपका किसी बैंक के अंदर अकाउंट है, आपका किसी बैंक के अंदर क्या है अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, उस बैंक अकाउंट में आपका डिपॉजिट अमाउंट कितना है, कितना अमाउंट उसमें शो हो रहा है, तो उसमें अमाउंट शो हो रहा है 10,000 रुपीज। अब क्या होता है कि आपको नीड है 25,000 रुपीज की, आपको नीड कितने की है 25,000 रुपीज की नीड है, पर आपके अकाउंट में तो 25,000 है ही नहीं, आपके अकाउंट में केवल 10,000 है, ठीक है। तो बैंक क्या करता है आपको, आपका जितना भी डिपॉजिट अमाउंट है उससे एक्सेस अमाउंट, उससे ज्यादा अमाउंट निकाल के बैंक फैसले की आपको दे देता है, जितना भी अमाउंट आपका डिपॉजिट है उससे ज्यादा अमाउंट निकाल के फैसले आपको बैंक दे देता है, और इसी फैसिलिटी को हम क्या कहते हैं, बैंक और ड्राफ्ट कहते हैं। तो आप बैंक से कितना विड्रॉ करना चाह रहे हो 25, डिपॉजिट कितना है 10,000, आई रिपीट डिपॉजिट कितना है 10,000, लेकिन बैंक से आपको निकालना कितना है 25, तो कितना आपको बैंक अपने पास से देगा, बैंक आपको 15,000 अपने पास से देगा। तो जब भी कोई बैंक आपको आपके डिपॉजिट अमाउंट से ज्यादा अमाउंट निकालने की फैसिलिटी देता है तो उस फैसिलिटी को ही हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। अब बात समझ में आई, अभी मैंने बैंक ओवरड्राफ्ट का मीनिंग बताया, क्या बैंक ओवरड्राफ्ट का मीनिंग समझ में आ गया आपको? बैंक में जितना भी अमाउंट डिपॉजिट है उससे ज्यादा अमाउंट निकालने की जो फैसिलिटी है उस फैसिलिटी को ही हम बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। सभी बैंक के समझ में आ गया, अमूल पायल क्या सभी को समझ में आ गया कि बैंक ओवरड्राफ्ट इसे कहते हैं? आई रिपीट अगेन, बैंक में जो भी आपका अमाउंट है उससे ज्यादा अमाउंट निकालने की जो बैंक आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है तो उस फैसिलिटी को क्या कहते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट। आप चेक नहीं कर रहे हो, आपको विड्रॉ करना है, चेक का मैटर नहीं है, चेक देना बाउंस होता है करेक्ट है, चेक देता है तो बाउंस होना करेक्ट है, सही कह रहा हूं। मैं चेक नहीं दे रहा, मुझे खुद को पैसे चाहिए, मैं किसी को चेक लिखकर नहीं दे रहा, मुझे खुद को पैसे चाहिए, मैं गया बैंक के पास और बैंक को बोला कि भैया मुझे 25,000 रुपये चाहिए दे दो आप, ठीक है, तो बैंक क्या करेगा आपको 25,000 रुपये दे देगा, लेकिन डिपॉजिट कितना था 10,000, बैंक ने कितना आपको एक्स्ट्रा दिया 15,000, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो कौन सा है, वो आपका अमाउंट आपका कौन सा अमाउंट जाएगा और जस्ट अमाउंट हो जाएगा। अब बताओ ये हमारे एसेट्स है या हमारे लायबिलिटीज है, ये 15,000 हमारे लिए एसेट्स है या लायबिलिटीज है, बताइए ये 15,000 हमारे लिए एसेट्स है या फिर लायबिलिटीज है, बताइए कैन टेल मी। ये जो 15,000 हमने एक्स्ट्रा बैंक से ले लिया है ये हमारे लिए एसेट्स है या फिर लायबिलिटीज है, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। अमूल का आंसर है कि सर लायबिलिटीज है, अदर स्टूडेंट्स भी बताइए कि ये लायबिलिटीज है या फिर एसेट्स है, इतना सोचो। अब बैंक को हमें पैसा देना है या बैंक से हमें पैसा लेना है, अब इतना सा कंसेप्ट बता दो मुझे, बैंक को अब आप पैसे दोगे या बैंक आपसे लेगा? बैंक को देना है तो किसी को हमें देना है तो हमारे एसेट्स कैसे हो सकती है, यानी बैंक तो हमारे पैसे मांगता है ना, क्योंकि हमने ज्यादा ले लिया तो हमें वापस देना पड़ेगा और वापस देना पड़ेगा इसका मतलब वो हमारे लिए लायबिलिटीज होगी। याद रखना किसी से हम मांगते हैं, हमें किसी से लेना है तो एसेट्स है, कोई हमारे में मांगता है या हमें किसी को देना है तो वो क्या होगा, लायबिलिटीज होगा।
क्या अब बात समझ में आ गई? क्या अब बात समझ में आ गई है? जल्दी से बताइए। वेरी गुड। अब देखिए लाइबिलिटीज है, अब लाइबिलिटीज है वो बढ़ने पर डीआर होती है या सीआर होती है? लाइबिलिटीज है वो बढ़ जाती है तो डीआर होती है या सीआर होती है, बताइए। क्या आपको मैंने ये बताया कि एसेट्स बढ़ने पे क्या होती है, लाइबिलिटीज बढ़ने पे क्या होती है? हाँ, मैंने आपको बताया है कि लाइबिलिटीज बढ़ने पर ऑलवेज क्या होती है, सीआर होती है। ठीक है, तो कैश बुक का, कैश बुक तो हमारे पास है, तो कैश बुक का ओवरड्राफ्ट क्या है? कैश बुक के अकॉर्डिंग हमारे लिए पैसे कौन मांगता है? बैंक हमारे लिए पैसे मांगता है। इसका मतलब हमारे लिए लायबिलिटीज है और लायबिलिटीज है, इसीलिए मैंने क्या लिखा, सीआर बैलेंस लिखा। इसलिए मैंने इसको क्या बताया, बैंक ओवरड्राफ्ट कैश बुक का होता है तो वो सीआर होता है, क्योंकि कैश बुक के अनुसार हमें बैंक से जितना अमाउंट निकाला है उससे ज्यादा, जितना अमाउंट डिपोजिट है उससे ज्यादा हमने निकाला है। तो रूल कौन सा आ गया हमारे पास, बैलेंस कौन सा आ गया, सीआर। और अमूल सीआर बैलेंस में कभी भी जनरल रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं। सीआर बैलेंस में कौन से रूल अप्लाई होते हैं, सीआर बैलेंस में कौन से रूल अप्लाई होते हैं, जल्दी से बताइए। यस, सीआर बैलेंस में तो ऑलवेज अपोजिट रूल अप्लाई होते हैं, पर सबसे पहले हमें यह पहचानना था कि बैलेंस कौन सा है, सीआर बैलेंस है तो रूल अपोजिट। ठीक है, अब यही पासबुक का डेबिट बैलेंस होता है, पासबुक तो बैंक के पास होती है, इसका मतलब बैंक को तो आपसे लेना है ना, तो बैंक में क्या हो गई एसेट्स, पासबुक कैसे हमारे पास होती है, पासबुक बैंक की होती है। ठीक है, अब हम अपोजिट रूल के अकॉर्डिंग अपना क्वेश्चन सोल्व करेंगे। कुछ ट्रांजेक्शन हमें एडमिट करने हैं और कुछ हमें लेस करने हैं। अब वन बाय वन हम ट्रांजेक्शन को रीड आउट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास बैलेंस है कितना, 8000 का ओवरड्राफ्ट हमारे इसमें शो कर किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। अब वन बाय ट्रांजेक्शन देखते हैं क्या है, चेक अमाउंटिंग टू रुपीज 2000 हैड बीन पेड इन बाय हिम बट वर नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। ठीक है, कितना अमाउंट है, 2000 रुपीज का अमाउंट है, इसको ऐड करना है या लेस करना है, बताइए। बैंक में हमने चेक डिपॉजिट कराया है, इसको मैं समझाता हूँ, बैंक में हमने चेक डिपॉजिट कराया है पर अभी तक बैंक ने चेक को डिपॉजिट किया ही नहीं है, तो ये बताओ हमने कैश बुक में अमाउंट बढ़ा दिया है कम कर दिया है? तो सीधी सी बात है, जब हमने चेक बैंक में डिपॉजिट करा दिया तो हम तो यही मानेंगे ना कि हमारा चेक बैंक में डिपॉजिट हो चुका है, इसलिए कैश बुक में अमाउंट क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। लेकिन बैंक में तो अभी अमाउंट डिपॉजिट हुआ ही नहीं, उनको कलेक्ट किया ही नहीं, तो बैंक का अमाउंट क्या है, कम है। अब मैंने कहा था रोज पॉजिटिव है, तो पहले सोचना कौन सा रूल है, सोचना पॉजिटिव है, सोचना जनरल रूल्स है, लिखना नेगेटिव है। ठीक है, तो जनरल रूल होता तो हम इसको लेस करते, रिपीट, जनरल रूल होता तो हम इसको लेस करते, पर रूल कौन सा है, अपोजिट रूल है, तो लेस तो करेंगे नहीं, हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट यट कलेक्टेड बाय बैंक, बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, और अमाउंट कितना है, 2000 रुपीज ओनली। क्या आपके समझ में आ गया है, दिखाइए, क्या आपके समझ में आ गया है? गुड, वेरी गुड, वेरी गुड।
ये ट्रांजेक्शन हो गया। अगर ट्रांजेक्शन देखते हैं कि इसके बाद क्या लिखा गया है, तो इसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि he issued check of which 800 which were not presented to the bank for payment। एक 800 रुपए का चेक हमने इशू किया था, इसमें रिप्लाई आते होंगे, 800 रुपए का एक चेक हमने इशू किया था, लेकिन पेमेंट के लिए जिस पर्सन को हमने चेक इशू किया वो अभी तक बैंक पे पहुंचा ही नहीं। आपके बोले इस केस में एड होना चाहिए या लेस होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू यस यस करेक्ट है। देखिए पॉजिटिव रूल होता तो एड होता, पॉजिटिव रूल होता तो एड होता, क्योंकि बैंक में अमाउंट कम हो रही नहीं है, हमने कम कर दिया तो बैंक में कम नहीं हुआ, बढ़ा तो हमें बढ़ाते हैं, लेकिन पॉजिटिव रूल होता तब बढ़ाते हैं। अभी क्या है नेगेटिव रूल है, तो हम क्या करेंगे इसको रिवर्स करेंगे। इतने सब क्या लिखेंगे यहां पर, चेक इश्यूड बट नॉट येट presented for payment, but not presented for payment, but 800 rupees का चेक था। Is this clear? लगभग सब काम से सही है। देखिए क्लास रेगुलर लोगे तो हर स्टूडेंट की क्लास समझ में आएगी। I repeat, क्लास जो स्टूडेंट्स रेगुलर लेंगे उनकी समझ में आएगी, ठीक है। लेकिन आप रेगुलर नहीं लोगे तो फिर थोड़ी सी समस्या आपको मिलेगी, परेशानी आपको आएगी, क्योंकि कंसेप्ट निकल चुके होंगे, इससे समझ में थोड़ी डिफिकल्टीज होगी, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि सबके समझ में आए। नेक्स्ट की बात करते हैं। देयर वाज अ डेबिट इन हिज पासबुक और पेज 60 फॉर इंटरेस्ट, 60 रुपए से इंटरेस्ट को डेबिट कर दिया गया है। डेबिट करना था, बैंक ने पैसे निकाल लिए, कट कर लिए। बैंक डेबिट करता है इसका मतलब बैंक ने पैसे निकाल लिए, कट कर लिए, तो बैंक में पैसे कम हो गए। सामान्य नियम होगा तो हम भी कम करते, पर नियम तो जनरल है नहीं, नियम तो कौन सा अपोजिट, तो बताइए इसको ऐड करना है या लेस करना है, तो बताइए इसको ऐड करना है या लेस करना है, ऐड करना है। इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक बट नॉट यट एंटर्ड इन कैश बुक, बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, और 60 रुपीज का अमाउंट है। बुक की तरह प्लस माइनस का कॉलम बना के नहीं करना है, एक्चुअली जो तरीका है वो ये है, जल्दी समझ में आना, कंसेप्ट आपके रॉन्ग नहीं होंगे। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, एंड रुपीज 100 फॉर बैंक चार्जेस, एक 100 रुपीज बैंक चार्जेस का भी था, तो बैंक चार्जेस भी बैंक क्या करेगा, कट कर देगा, तो इसको एड करेंगे लेस करेंगे, बैंक चार्जेस को एड करेंगे या लेस करेंगे, बताइए बैंक चार्जेस को ऐड करना है या लेस करना है। एब्सोल्युटली, क्योंकि रूल कौन सा है नेगेटिव, इसको भी क्या करेंगे हम ऐड करेंगे, बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक बट नॉट यट एंटर इन कैश बुक, एंड अमाउंट इज 100। अमाउंट कितना है, अमाउंट 100 रुपीज का है। इस तरह से हमने सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लिए हैं। अब क्या करना होता है, इनको ऐड करके पहले इनका प्लस कितना होगा, 2021 है अभी क्या, 2160
इसमें इसको ऐड करेंगे 10160। लेस में केवल एक ही ट्रांजैक्शन था, लेस में केवल एक ही ट्रांजैक्शन था 800 का, तो उसको हमने बाहर निकाल दिया। अब बताइए 10160 में से 800 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना अमाउंट आएगा, बताइए कितना अमाउंट आएगा जब हम लोग 10160 में से 800 को लेस करेंगे। जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए। 9360 क्या लिखे हैं आपके 9360 के सामने क्या लिखे, सभी करेक्ट है। 9360 के सामने क्या लिखे, एक लाइन भी तो मेंशन करनी पड़ेगी आंसर का। वेरी गुड, यहां सीआर था तो यहां क्या करना है, डीआर बैलेंस ऑफ किसका लिखूं, रिवर्स करना है, इसका मतलब पास बुक। इस तरह से ये आपका आंसर कंप्लीट हुआ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, धीरे धीरे आप लोगों की टेंडेंसी कर रही है, लेकिन बात उन्हीं की रही है जो प्रॉपरली रूल सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और उससे बड़ी बात प्रैक्टिस में किसी भी तरह से कमी नहीं आने दे रहे हैं। पॉइंट समझ में नहीं आया तो उसका सोल्यूशन हमारे पास है, हम आपको बार बार समझा देंगे, लेकिन प्रैक्टिस का सोल्यूशन तो आपके पास ही है, प्रैक्टिस तो आपको ही करनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। बताइए नेक्स्ट में कौन सा बैलेंस गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन सा बैलेंस गिवन है, आई मीन एग्जांपल को 5 में बात कर रहा हूं, कौन सा एग्जांपल गिवन। एक बार क्वेश्चन को रीड कर लीजिए, सभी एक बार क्वेश्चन को रीड कर लीजिए। एक बार क्वेश्चन को रीड कर लीजिए आप। संजू बता रही है कि डीआर बैलेंस ऑफ पासबुक है, आरुष बाकी स्टूडेंट से बताइए कि क्या पासबुक का डीआर बैलेंस है या नहीं है। आप कंफ्यूजन में दूर कर दूंगा, सभी बताइए एक का रुपया नहीं आना चाहिए, सभी का रुपया आना चाहिए। कैशबुक के बैंक कॉलम के अकॉर्डिंग, कैशबुक के बैंक कॉलम के अकॉर्डिंग क्रेडिट बैलेंस है, मतलब ओवरड्राफ्ट है, तो बैलेंस तो कैशबुक का ही हुआ ना। हाँ, बैंक ओवरड्राफ्ट को हिंदी में अधिकर्ष कहते हैं, बैंक अधिकर्ष कहते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट को हिंदी में बैंक अधिकर्ष कहते हैं, और यहाँ पे कैशबुक का अधिकर्ष है, आई मीन कैशबुक का बैंक ओवरड्राफ्ट है। और अभी जो क्वेश्चन किया था तो मैंने बताया था कि कैशबुक का ओवरड्राफ्ट, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, तो यहाँ पर बैलेंस कौन सा है, यहाँ पर भी जो बैलेंस है वो कैशबुक का सीआर बैलेंस है। तो बताइए कि रूल कौन से अप्लाई होंगे, पॉजिटिव रूल अप्लाई होंगे या नेगेटिव रूल अप्लाई होंगे, किस तरह के रूल अप्लाई करने हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, अपोजिट। चलो स्टार्ट करते हैं, तो ऊपर की हेडिंग बदल जाएगी, अमाउंट बदल जाएगा,
18,100 हाँ, अमूल का प्रश्न है कि सर एक डाउट है कि अगर बैलेंस नहीं दिया गया और पासबुक दी गई है तो सीआर होता है बट रूल हर जगह अप्लाई, रूल तो उसके अप्लाई होंगे, कुछ भी नहीं कहा है ध्यान रखना, या तो कहा गया है कुछ भी नहीं कहा गया है तो कैश बुक का है तब तो डीआरएस मानते हैं और पासबुक का है तो सीआर मानते हैं, पर ये तब है तो कुछ भी नहीं कहा गया है, रूल्स तो अपनी जगह है, फिर डीआरएस से तो पॉजिटिव ही लगाना है और सीआर से तो नेगेटिव भी लगाना है, ये तो रूल्स है, पर बैलेंस नहीं पता, बैलेंस नहीं पता किसका बैलेंस दिया गया है किसका बैलेंस नहीं दिया गया है, मतलब पासबुक का बैलेंस तो बोला हुआ है पर डीआरएस सीआर नहीं बोला, कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है बट डीआर और सीआर नहीं कहा, तो हम क्या मानेंगे, कैश बुक का तो डीआर मानेंगे और पासबुक का सीआर मानेंगे, और कैश बुक का डीआर मानेंगे तो उस केस में रूल्स कौन से यूज होंगे, पॉजिटिव, पासबुक का बोला हुआ है तो हम मानेंगे क्रेडिट और रूल्स कौन से लगाएंगे, नेगेटिव, पर यहां तो कहा गया है, यहां तो किसी में कहा गया है कैश बुक का जो बैंक कॉलम है उसके अकॉर्डिंग बैंक और ड्राफ्ट है, इसलिए डायरेक्ट तरीके से कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए रूल्स अभी कौन से अप्लाई करने हैं, सीआर रूल्स अप्लाई करने हैं, वो रूल्स अप्लाई करने हैं, तो यहां पर फर्स्ट पॉइंट है चेक रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट सेंड टू द बैंक ऑफ कलेक्शन रुपीज कितना है, इस बार क्या हुआ 12,400 चेक था तो हमने रिसीव किया और बैंक में सेंड कर दिया, हमने एक चेक रिसीव किया, हाँ सॉरी हमने एक चेक रिसीव किया और उसकी एंट्री कर ली, एक चेक रिसीव एंट्री कर ली, हाँ पैसा आ गया है और हमें लगा बैंक में हमने जवाबी करा दिया, हमने भेज दिया है, हमें क्या लगा, हमने उस चेक को बैंक में भेज दिया, हमें लगा क्या लगा कि सेंड करना ही भूल गए, पर हमने तो कैश बुक में एंट्री कर ली था, बैंक में तो अभी सेंड किया ही नहीं है तो वहां का अमाउंट भरना भी नहीं है, वहां का अमाउंट अभी क्या हो रहा है, कम ही है, तो बताइए इसको ऐड करना होगा या लेस करना होगा, इसको ऐड करना होगा या लेस करना होगा, ऐड करना होगा या लेस करना होगा, संजू का आंसर करेक्ट है, इसको हम ऐड करेंगे लेस नहीं करेंगे, क्यों समझिए योगिता अमूल लिसन प्रॉपर्ली, एक्चुअली क्या है, हमने अपनी कैश बुक में एंट्री कर ली, हमने अपनी कैश बुक में एंट्री कर ली और कैश बुक में हमने क्या कहा कि अमाउंट एंट्री करके अमाउंट को अप कर दिया, हमने कर लिया, पर चेक तो अभी भी कहां पड़ा है, हमारे पास पड़ा है, चेक को हमने कहा नहीं भेजा, बैंक में नहीं भेजा, भूल गए, कैश बुक में अमाउंट बढ़ा दिया, क्या अमाउंट दे रही चेक को भेज दिया होगा, तो बैंक में तो अमाउंट अभी कम है क्योंकि चेक नहीं भेजा, और जनरल रूल्स होते तो हम भी क्या करते कम करते, बट जनरल रूल्स तो है नहीं तो कम कैसे कर सकते हैं, सो हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, इज दिस क्लियर, क्या आपके ये बात समझ में आ गई है, आई रिपीट बैंक में हमने चेक सेंड नहीं किया पर एंट्री कर ली कैश बुक में, एंट्री की कैश बुक में इतने अमाउंट को हमने अप कर दिया, बैंक में तो अमाउंट कोई नहीं वहां तो कम है, अकॉर्डिंग टू जनरल रूल्स हम भी कम करते डाउन करते, बट रूल जनरल है नहीं, रूल कौन से हैं, अपोजिट है, अपोजिट रूल है तो फिर हम क्या करेंगे, लेस नहीं करेंगे, हम उसको ऐड करेंगे, तो चेक यहां करेंगे चेक रिकॉर्डेड बट नॉट येट सेंड टू बैंक, इस बार ट्रांजेक्शन का नाम जो है बैंक
चेक रिकॉर्डेड बट नॉट येट सेंट टू बैंक, रिकॉर्ड तो कर लिया लेकिन बैंक को हमने सेंड किया नहीं है, ठीक है, हमने इसको सेंड नहीं किया है। तो अब हम उसको करेक्ट कर रहे हैं, तो इसके अंदर अमाउंट कितना बताइए जल्दी से, इसमें कितना अमाउंट है बताइए जल्दी से, इस ट्रांजेक्शन में कितना अमाउंट है जल्दी से बता दीजिए, कितने का अमाउंट है, कितने का चेक था जो हमने रिसीव तो कर लिया बट सेंड नहीं किया, 12,400 का, गुड 12,400 का, ओके। इस तरह से अभी जो हमने एग्जाम्पल नंबर 4 किया था बिट्टो, ये वैसा ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो आप क्या करोगे, आप ट्राई करोगे, कल संडे है, कि कितने आप एग्जाम्पल कर सकते हो, आप एड तक कर देना, ओनली 2 दे रहा हूं, प्रॉब्लम आती है तो सॉल्व कर दी जाएगी, बट आप अपनी प्रैक्टिस को कंप्लीट करना। हाँ फोलो बता दिया था मैंने, अगला जरा तो करा फिफ्थ सिक्स की बात करूंगा। हाँ 5 का 4 है बट अभी टाइम क्या है, अपना कंप्लीट हो गया इसलिए पूरा कंप्लीटली मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा, इसको नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। जब नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आप अपनी ही प्रॉब्लम पूछना, उसके बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे, ओके ओके, थैंक यू।